कमांड स्क्वाड साहब बहुत दूर से आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड के व्यस्त पद पर रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमसे मिलने सुर घाटी के नाम से प्रसिद्ध पिथौरागढ़ स्टेशन में आए हैं। यह जनरल साहब का कुमाऊं नागा और कुमाऊं स्कॉट्स के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाता है। मैं नैन कुमाऊं का होने का नाते जनरल साहब से भली बात परिचित हूँ, लेकिन आप लोगों को जनरल साहब के बारे में थोड़ा परिचित कराना चाहता हूँ। जनरल साहब कमीशन प्राप्त करके 9 जून 1984 को नैन कुमाऊं परिवार में शामिल हुए। यूनिट में रहते हैं साहब ने अर्जुडेंट क्वार्टर मास्टर आयो एंड सर्जिलर ऑफिसर और सिग्नल ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को बहुत ही निपुणता के साथ निभाया। जनरल साहब ने 13 आर 17 माउंटेन ब्रिगेड 19 इन्फेंट्री डिप और 3 कोर का चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कमांड किया और जनरल साहब वर्तमान समय में जीओसी इनसी ईस्टर्न कमांड के पद पर समायमान हैं। इस उपलब्धि के लिए सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से आप और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आखिर में मैं नए युवाओं की तरफ पूर्व सैनिकों की तरफ से कैलाश पर्वत और ओम पर्वत जो कि भोले बाबा का स्वरूप है एक समर्थ भेंट करने करते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बने रहे। मैं कैप्टन चंद्र साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब जनरल साहब को समर्थित भेंट करें। ये बनाने प्लीज आप मैं दुबी साहब से मिलता हूँ। मेरा हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से एक समिति भेंट करते हैं। माननीय कृषि अध्यक्ष मैं बजे से अनुरोध करता हूँ कि जनरल साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय कृषि अध्यक्ष मयूर भट्टी और अभी 5 मिनट के लिए